नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये न्यूज टाइम। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल में पहलवान बबीता फोगाट का चाइल्ड रोल कर चुकी एक्ट्रेस सुहानी भटनागर का 19 साल की उम्र में निधन। कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था और एम्स में इलाज चल रहा था। सुहानी हरियाणा की फरीदाबाद की रहने वाली थी। एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने समेत कई मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों ने हरियाणा में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला। पंजाब में किसानों द्वारा ट्रेन रोकने के आह्वान के बाद सिरसा में रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। जिला सिरसा में डबवाली एलानाबाद में चेकिंग अभियान चलाया गया। बीजेपी विधायक दुड़ाराम की कार हिसार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि विधायक को हल्की चोटें आई हैं। हादसे में पीए राजवीर बिश्नोई भी घायल हो गए हैं। दंतेवाड़ा में जवानों और नक्सलियों के बीच 16 फरवरी को एनकाउंटर में जवानों ने फायरिंग कर नक्सलियों को भगाया। मौके पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को कई हथियार बरामद हुए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में ही छोड़ी। शाम 5 बजे वाराणसी से वायनाड के लिए होंगे रवाना। 18 फरवरी को फिर से प्रयागराज से यात्रा होगी शुरू। बिहार के कटिहार में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला और खुद भी गंभीर है। लोन लेकर पत्नी के लापता होने से व्यक्ति नाराज था। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विधानसभा में शनिवार को फिर से बहुमत साबित कर दिया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम 2029 में देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट किया। इंग्लैंड की तरफ से बेन डकेट ने 153 रन की शतकीय पारी खेली। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। शाहिद कपूर और कृति सैनन स्टारर लव रोमांटिक रोबोटिक ड्रामा फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। 9 फरवरी को रिलीज हुई फिल्म अपने रिलीज की 9वें दिन में चल रही है। फिल्म का घरेलू कलेक्शन 47 करोड़ जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 89.61 करोड़ के पार पहुंच गया है। ज्यादा जानकारी के लॉगिन करें tvbharat.com।